ये युद्ध है, युद्ध है। अरे सेकुलर भाई और बहनों, आप असम में आओ, मैं हजारों लड़की हजारी बच्ची को नाम बोलूंगा जो लाभ जिहाद का शिकार बन चुका है। आज हम असम में लाभ जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ। असम में हम मद्रासा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रासा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओएसी जी जाके बोला कि आपने मद्रासा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओएसी को बोला आप क्या देख लेगा, उसको आपके घर में बुलाइए, मैं आपके घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए। और मुझे नहीं, ये नया भारत को भी देख लीजिए जो ओएसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओएसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मद्रासा एक साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तेलंगाना में असम के मुख्यमंत्री मौजूद थे। हिंदू एकता रैली के कार्यक्रम को हेमंत बिश्व शर्मा संबोधित कर रहे थे। और आपको बता दें, करीम नगर में ये कार्यक्रम हुआ, वहां असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने जमकर दहाड़ लगाई है। कहा है कि हम असम में राम राज्य लाएंगे। केवल 5 महीने हैं, आपको बता दें इस साल अंत में वहां चुनाव होने हैं। ऐसे में हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि हम असम में लव जिहाद को बंद कर देंगे। 600 मदरसों पर हम काम कर रहे हैं, उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने चुनौती दी और कहा कि मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि मैं 300 और मदरसे को बंद करूंगा असम के अंदर लव जिहाद की वजह से। और आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्नाटक के चुनाव के बाद लोग ये बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम से वोट नहीं मिलते, लेकिन आज देश का नेतृत्व हिंदू के हाथ में है। और पाकिस्तान का हाल आप जाके देखिए, यहाँ भारत जो है एक हिंदू हाथ के बागडोर में भारत देश है, और हिंदू के हाथ में जिस तरीके से देश चल रहा है उससे देश 5वें अर्थव्यवस्था पर बन गया है। हम पूरे देश में समान नागरिक संहिता बिल को लागू करेंगे। और अब देखिए, समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि ये होना चाहिए। और इसी वजह से असम को देखिए, वो बिल्कुल अलग तरीके से उस पर काम करने की बात वो कर रहे थे। हिंदू एकता यात्रा को वो संबोधित कर रहे थे और कहा, साफ तौर पर चुनौती दी। और देखिए, द केरल स्टोरी को देखने की भी लोगों से वहां उन्होंने अपील की, क्योंकि कल ये खबर सामने आई थी कि जब वो हिंदू एकता रैली को संबोधित करेंगे तो उनके साथ द केरल स्टोरी की पूरी टीम होगी। ये फिल्म देखिए अभी विवादों में चल रहा है, इस फिल्म को जोरों शोरों से देखा जा रहा है, फिल्म की कमाई बम्पर तरीके से हो रही है। ऐसे में असम में जो इन्होंने चुनौती दी है, असम के मुख्यमंत्री ने जो चुनौती दी है तेलंगाना में जाकर, और कहा कि साफ तौर पर हम जो है वो इस पर काम कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम भारत को क्योंकि विश्व गुरु के तौर पर देखना चाहते हैं। और देखिए, उन्होंने कोई धर्म विशेष की बात नहीं की है, बस यही कहा कि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यहाँ राम राज्य लाने की ज़रूरत है। हनुमान जी की वजह से राम राज्य आया और हम चाहेंगे कि यहाँ भी हम राम राज्य लाएंगे। अब देखिए, उन्होंने कहा कि यहाँ आप 4 शादी नहीं कर सकते हैं, इस पर भी बिल आना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा कहना है कि आप 4 शादी नहीं कर पाएंगे। भारत में कुछ लोग सोचते हैं कि वो 4 शादी कर लेंगे, लेकिन वो वक्त समाप्त होने वाला है, वह दिन दूर नहीं है। समान नागरिक संहिता भारत में लागू होने वाली है, देश को सही मायने में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने का वक्त आ गया है। ये साफ तौर पर असम के मुख्यमंत्री की दहाड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने बहुविवाह प्रथा समाप्त करने के लिए कानून लागू करने के वास्ते राज्य विधानसभा की विधायक शक्ति की पड़ताल के लिए 4 सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि तेलंगाना में राजा के शासन की जगह
राम राज्य आने वाला है क्योंकि राजा के पास केवल 5 महीने है। तो देखिए दर्शकों, साफ तौर पर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। एक ब्रांड प्रचारक के रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, बीजेपी को जहां जहां वो गए हैं वहां वहां फायदा ही मिला है। और देखिए उनका जो पैच, उनकी जो तुलना है वो स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से की जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, आपको बता दें कि कहा जाता है कि बीजेपी के लिए ये दोनों ही ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा देखिए जमकर दहाड़ लगाते हुए हर जगह नजर आते हैं और उनके कुशल नेतृत्व की वजह से आपको बता दें जहां जहां उनकी इकाई है वहां वहां सरकार को उन्होंने फायदा पहुंचाने का ही काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमें विश्वास है यहां के लोग इस बात को समझेंगे, लव जिहाद को हम बंद करने जा रहे हैं, मदरसों पर काम करेंगे। देखिए दर्शकों, यूपी में भी मदरसों पर काम हो रहा है। सीएम योगी ने अवैध मदरसों पर काम करने का काम जोरों शोरों से कर दिया है। अवैध मदरसे यूपी के अंदर धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमें वैध मदरसे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मदरसा अवैध है, जिस पर शिक्षक जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वैसे मदरसों को बंद करने की जरूरत है। वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। जिस जिस मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती है हम उस पर काम करेंगे, उसको चलाएंगे। लेकिन देखिए यहां पर असम के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कह दी। उन्होंने कहा, आज हम असम में लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम राज्य में मदरसों की शिक्षा को बंद करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने हैदराबाद के सांसद को कहा है असदुद्दीन ओवैसी को कि हम किसी से डरते नहीं हैं, भारत ओवैसी से नहीं डरता है। शर्मा ने कहा, मैं ओवैसी से ये कहना चाहता हूं कि मैं इस साल 300 और मदरसों को बंद कर दूंगा। तो देखिए हेमंत बिश्व शर्मा को आप जानते होंगे बखूबी। उन्होंने समान आचार संहिता लागू करने की बात कही, मदरसों को बात करने की बात कही और कल वो करीमनगर में उपस्थित थे, हिंदू एकता रैली को संबोधित कर रहे थे और कहा कि हमारा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था हो और हम इस पर काम कर रहे हैं। जिस जिस दिशा में कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाया जाता है हम उस पर काम करेंगे। तो साफ है कि यहाँ पर तेलंगाना के भीतर भी वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जबरदस्त बदलाव की ओर दिशा रखने के लिए वो कवायद तेज कर रहे हैं। आगे आपको बता दें उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव आने के बाद टेलीविजन पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देश में हिंदू के नाम पर और कुछ नहीं होगा, ये कहा है हेमंत बिश्व शर्मा ने। और देखिए साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा का ये बयान इसलिए आया है क्योंकि कर्नाटक के बाद लोग ये बात कर रहे हैं। देखिए कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है और कर्नाटक के बाद लोग ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। इसी पर हेमंत बिश्व शर्मा ने विपक्षियों की बोलती बंद की। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जब तक हिंदू रहेंगे तब तक देश में खुशहाली होगी। आज आप पाकिस्तान की हालत देखिए, आज भारत की बागडोर हिंदू के हाथ में है, आज भारत की बागडोर एक हिंदू के हाथ में है। कुछ लोग कहते हैं भारत पिछड़ा है, लेकिन मोदी जी ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया और देश विश्व गुरु बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में उन्होंने कहा, 10 साल पहले किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। देखिए ये बात असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज वो देखिए वास्तविकता बन गया है। उन्होंने कहा, इसी तरह पहले जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ। देखिए धारा 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। इस पर हेमंत बिश्व शर्मा ने बात की, भारत किस तरीके से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है उस पर बात करी। असम के मुख्यमंत्री ने यह तक कह दिया कि हम काम कर रहे हैं, हम मदरसों को बंद करेंगे और ये जल्द होगा, मैं असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं चुनौती देना चाहता हूं। तो तेलंगाना में वो मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर दिशा को बदलने की बात कही है। अब देखिए देखने वाली बात होगी, लेकिन वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने कामों में निपुणता के लिए जाने जाते हैं, कौशलता के लिए जाने जाते हैं। और देखिए असम के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके काम में तेजी भी देखी जाती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कब असम के मुख्यमंत्री ने जिन जिन दावों को किया है वो उस पर अमल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन साफ तौर पर चुनाव आने से पहले ओवैसी को ये चुनौती देखने वाली बात होगी, ओवैसी पर कितनी भारी पड़ती है और ओवैसी इस बयान के बाद अपनी क्या जवाबदेही
तय करते हैं। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया असम के मुख्यमंत्री के बारे में, उन्होंने कौन कौन से दावे किए हैं, मदरसों को बात करने की बात की, कहा कि हम राम राज्य लाएंगे, राजा का राज्य खत्म करेंगे। तो जो भी आपकी राय आप बता सकते हैं। आपको बता दें उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी चुनौती दी है कि राजा का राज्य समाप्त होने वाला है और राम राज्य तेलंगाना में आने वाला है। तो जो भी आपकी राय हो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।